दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों एक नए तरह की नोटिफिकेशन सेफ जो है वो दे रही है फिंगर्स के टाइम पर। एक तो ये कि अचानक से उन लोगों का जो डेटा है वो इटली, फ्रांस, जर्मनी, इन कंट्रीज में निकल आया है और जिसकी वैलिडिटी कुछ टाइम के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अचानक से किसी का डेटा निकला है इटली का कि भाई तुम्हें इटली के अंदर बैन किया गया था जो 2023 तक वैलिड है 12वें महीने तक। कई लोगों को नोटिस मिल रहा है कि जी वो फ्रांस में आ तुम्हारा डेटा निकला है जो 2025 के 4वें महीने 10वें महीने तक वैलिड है। और कुछ लोगों को ये नोटिस मिल रहा है जब वो फिंगर्स करवाने के लिए जा रहे हैं कि SIS यानी शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर तुम्हारा कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तुम्हारी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और इन चीजों को 10 दिन के अंदर अंदर हमें क्लियर करके बताएं। तो दोस्तों ये बेसिकली ये है क्या, किन लोगों को ये मिल रहा है, किन वजहों से मिल रहा है और इसका कोई सल्यूशन है या नहीं, आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं फेसबुक पे अवेलेबल हूं, हमारा एक पुर्तगाल का ग्रुप भी है, ऑफिशियल हमारा पेज भी है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और इसके अलावा अब मैं टिकटॉक पर भी अवेलेबल हूँ, वहाँ पर मैं कुछ छोटी छोटी वीडियो शेयर करता हूँ जो लॉन्ग लेंथ में हम नहीं बना सकते हैं। और अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अब काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा और मेरी ईमेल आईडी भी शो हो रही होगी, आप चाहें तो उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। पर मुझे व्हाट्सएप जब भी आप करें तो मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, कोशिश करें कि आप मुझे व्हाट्सएप करने के बाद इंतज़ार करें मेरे रिप्लाई करने का, क्योंकि काम में बिजी होने की वजह से मैं हर एक की कॉल अटेंड नहीं कर पाता। तो जैसे मुझे वक्त मिलता है तो मैं रिप्लाई करता हूँ और हो सके तो मैं टेलीफोन पर बात भी कर लेता हूँ। और इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऑप्शन भी है दोस्तों, टिकटॉक की भी है, स्क्रीन पर आपको डिटेल शो हो रही है, आप चाहे तो मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम फर्स्ट ईमेल की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि अभी फिर से वही सिस्टम स्टार्ट हो गया है कि फर्स्ट ईमेल फिर सेकंड ईमेल। शोर तो इन लोगों ने बहुत मचाया था और कुछ लोग मुझसे लड़ भी रहे थे कि भाई हमें 31 मार्च तक सबको उन्होंने TRC भी दे देनी है और ये भी हो जाना है, वो भी हो जाना है। तो 31 मार्च तो आने वाली है, पर हमारी तो यही दुआ है कि सब लोगों को जो है वो TRC मिलनी चाहिए। हर इंसान की अपनी एक कहानी है, वो एक बड़े लंबे दौर से गुजरता है, तो एट द एंड उसको यहाँ की रेजिडेंसी मिलनी चाहिए, वो डिजर्व भी करते हैं और मिलेगी भी, परमात्मा करेगा सबको मिलेगी। तो अभी तो मेरा ख्याल है कि अप्रैल 10, 12 या 15 अप्रैल 2021 में जिन लोगों की फाइल लॉक हुई थी उनकी अभी उनको फर्स्ट ईमेल रिसीव हो रही है। पर जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों आप लोगों से कि कोशिश किया करें कि रात को सोने से पहले जरूर अपना सफा का पोर्टल या अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी सेफ के साथ है उसे चेक किया करें, ताकि अगर कोई भी ईमेल आपको या नोटिफिकेशन सेफ की तरफ से आई है तो आपको टाइम पर पता लगे और आप तुरंत उसके ऊपर एक्शन करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक नया एक रीजन तलाश लिया है, ढूंढ लिया है सेफ वालों ने, जो अभी मेरे ख्याल हफ्ते 10 दिन 15 दिन से शुरू हुआ है। मेरे पास भी 4 या 5 हमारे भाइयों ने कांटेक्ट किया है कि हमें सेफ की तरफ से फिंगर्स के टाइम पर ये नोटिफिकेशन मिल गया है कि भाई आपके आपके ऊपर बैन लगा हुआ है, फलानी कंट्री ने आपके ऊपर बैन लगाया हुआ है, या हमें शेनिगन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, SIS शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हमें कोई आपकी डेट कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, हम कोई सिस्टम इंफॉर्मेशन नहीं देख पा रहे हैं, हमें 10 दिन में इस चीज़ का जवाब दें, फलाना ढिमका ये वो। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा ये बात कहता हूं कि आज के टाइम पे जो सेफ है वो कार्ड ना देने के रीजंस ढूंढ रही है। तो हम किसी भी तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर सेफ को छोटा मोटा भी कोई रीजन ना दे, ये बहुत जरूरी है। अब ये एक नया तरह का इन लोगों ने एक पता नहीं कहां से ढूंढ लिया है ये, क्योंकि रिसेंटली मुझे सुनने में आया है और अभी तक मैं किसी भी हमारे भाई के साथ इस रीजन की वजह से सेफ में तो नहीं गया हूं।
पर जितनी की बातें मैंने सुनी है या मेरे जो इमिग्रेशन लॉयर है, जो मेरा मेरी कंपनी का जो लॉयर है, द ब्लू ओरियन का जो लॉयर है, उनसे मेरी इस चीज़ पर जो डिस्कशन हुई है और डिटेल में हमारी 30 तारीख को हमारी मुलाकात होनी है क्योंकि मैं ब्रागा जा रहा हूँ, हमारे दो भाइयों का कुछ केस है वहाँ पर, तो मैं ज़्यादा डिटेल में उससे जान पाऊँगा। तो ये बेसिकली है क्या दोस्तों कि पता नहीं अब सैफ ने किस तरह से ये चीज़ नई तलाश ली है या कोई नया रीज़न ढूंढ लिया है कि अब वो नोटिस ये दे रहे हैं आपको फलानी कंट्री ने शेनिगन की बैन किया हुआ इतने टाइम के लिए, इसका हमें क्लैरिफिकेशन ला करके दीजिए, या SIS के अंदर हमको आपकी कोई इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही है, इसका आप हमें जस्टिफिकेशन ला कर दीजिए, ऐसा क्यों है या क्या है। अब दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है, जहां तक मुझे मेरी जानकारी में है, ये उन लोगों को मिल रहा है जिन लोगों के पास कोई वीजा या लीगल एंट्री नहीं है पुर्तगाल की। अब दूसरी चीज ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन सैफ दे रही है, अब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो वाकई में सच है कि नहीं है, कि वाकई के अंदर आपके कोई शेनिगन कंट्री ने आपके ऊपर कोई बैन लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है, या अचानक से कुछ लोग हफ्ते 10-15 दिन के अंदर ये बैन लगना शुरू हो गया है, तो ये कुछ सच भी है कि ये सिर्फ कहानी सैफ बना रही है, कार्ड ना देने का कोई रीजन ढूंढ लिया है, क्योंकि पहले अब कुछ महीने पहले जो सैफ है वो ये कह दिया करती थी कि जी आप इटली से अपनी PCC ले आओ, फ्रांस से जाके अपनी PCC ले आओ, जर्मनी से भी PCC ला के दो, तो जब लोगों ने ला के सबमिट कर दी तो कार्ड इशू करना पड़ना था, वो फलाने डॉक्यूमेंट को फेक बता करके केस ठोक दिया, हमने वो सॉर्ट आउट करवा दिया कि जो रेजिडेंसी अब इशू करनी पड़ेगी। अब ये किस तरह का नया केस लेकर के आ गए हैं सैफ वाले कि अब इसका सलूशन हमारे पास है क्या, क्योंकि आज मेरे भाई भाई से बात हो रही थी, उनके कास्टिलो ब्रांको फिंगर हुए हैं और उनको भी यही नोटिस दिया है कि तुम्हारे ऊपर इटली ने बैन लगाया हुआ है, और जब उन्होंने पूछा कि भाई इसका सलूशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो वो कास्टिलो ब्रांको ने बोला है कि कोई जुडिशियल आप कोर्ट से जाकर के ले आइए, किसी लॉयर को साथ ले जा करके। तो मैंने मेरे लॉयर से भी पूछा था कि भाई ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, और लिस्बन के ये पुर्तगाल के जो कोर्ट हैं वो तो लिस्बन का कोर्ट कोइंब्रा से कनेक्टेड नहीं है, कोइंब्रा का कोर्ट फारो से कनेक्टेड नहीं, इनका आपस में ही कोई लिंक नहीं है कोर्ट का, तो इस तो इन कोर्ट्स का लिंक इटली फ्रांस जर्मनी इसमें कैसे हो सकता है, तो पुर्तगाल के अंदर ही आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। अगर आपका केस अगर ब्रागा में चल रहा है, लिस्बन में आप पता करने जाओगे वो नहीं बताएंगे आपको, कहेंगे हमारे तो यहाँ है ही नहीं है केस, तो अगर आपके ऊपर किसी ने इटली के अंदर बैन लगाया है तो पुर्तगाल के किसी कोर्ट के अंदर हम कौन सी इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे। तो मेरे लॉयर कहता है भी मुझे इस चीज़ के ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी कि भाई ये क्या चीज़ है ये, क्योंकि हमारी जानकारी में अभी तक तो ऐसा कोई भी केस नहीं आया था, पहले भी जो आम आप लोगों को पता है वही उसी तरह के केस थे, तो इस तरह का केस अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया था, और ये अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, हफ्ते 10-15 दिन पहले से ये सब नया पंगा इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो दोस्तों अब इसका सलूशन फिलहाल तौर तो जो हमारे पास है कि अगर आप सैफ अगर आपको इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी कर रही है कि भाई तुम्हारे ऊपर बैन लगा है, फलाना ढिमका लगा है, तो सबसे पहले जितने भी हमारे भाई हैं जो जिनके पास लीगल एंट्री नहीं है, वो ज़रूर अपने साथ एक अच्छा मजबूत लॉयर लेकर के जाएं, अकेले ना जाएं, अच्छी ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है, और लॉयर भी कोई ऐसा ढीला ढाला नहीं होना चाहिए बस गया, क्योंकि मुझे सुनने में आता है कि भाई आप लोगों ने एक लॉयर हायर किया था जो आपसे पैसे लेकर के आपकी साइड लेने की बजाय सैफ की साइड लेकर के आप ही को फंसा के चला आया, क्योंकि हमने अभी हाल ही के अंदर लीरिया के अंदर फिंगर्स करवाए थे, हमारे लॉयर ने 28 फरवरी को फिंगर हुए हैं और 20 और 21 को उनका कार्ड प्रिंटिंग में भी चला गया, लीगल एंट्री नहीं थी उनके पास, और उनकी जो PCC थी वो मई 2021 की बनी हुई थी, और वहाँ की जो इंस्पेक्टर थी वो लेने से मना कर रही थी, तो हमारा जो लॉयर था वो फिर भिड़ गया वहाँ पे जाके, उससे वही PCC चली है और उसी PCC के ऊपर आज हमारे भाई का कार्ड रिलीज हो गया, बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों लॉयर इस तरह का चाहिए आपको जो इलीगल जिनके इलीगली यहाँ पर आए हैं या जिनके पास लीगल एंट्री नहीं है या वीज़ा नहीं है, ज़रूर अपने साथ लॉयर लेकर के जाएं, और लॉयर अच्छा हो ताकि अगर आपको भी वहाँ पर इस तरह का कोई नोटिस दिया जा रहा है कि आपके ऊपर बैन लगा हुआ है, फलाना है, ढिमका है, ये है, वो है,
तो लॉयर आपका वहां जाकर के उनसे सवाल करे कि भाई इसका मतलब क्या है और तुम किस तरह का सलूशन ढूंढ रहे हो, तुमको क्या चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो उस डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए और वो कहां से मिलेगा। कोर्ट देगी, इटली की कोर्ट देगी, फ्रांस की कोर्ट देगी, कौन देगा वो डॉक्यूमेंट हमें, तो ये लॉयर की जिम्मेदारी है वहां पर जाकर उनसे पूछना। और जो भाई बिना लॉयर के जा रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो जरूर जाकर के उनसे पूछें कि क्या इस चीज का सलूशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर मेरा कोई चक्कर लगा इस केस के अंदर हमारे लॉयर के साथ, अगर मैं अपनी कंपनी के लॉयर के साथ गया, तो हम जरूर सेफ से जाकर के इस चीज का सलूशन मांगेंगे कि भाई तुमने नोटिस तो जारी कर दिया पर तुम क्या मांग रहे हो, कौन सा डॉक्यूमेंट तुमको चाहिए और वो डॉक्यूमेंट मिलेगा कहां से। तो जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट इस तरह की आती है कि सेफ क्या कहती है इंस्पेक्टर हमारे लॉयर को, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इन द मीन टाइम जितने भी हमारे भाई हैं जिनके पास लीगल एंट्री नहीं है और कोई वीजा भी नहीं है, वो जरूर अपने साथ एक अच्छा खासा लॉयर लेके जाए जो वहां पर मुस्तैदी से काम करे और ढीला ना पड़े, आपसे पैसे लेकर के आपके फेवर की बात करे, ना कि किसी और के फेवर की बात करे और उल्टा आप ही को प्रॉब्लम में डाल के वहां से निकल आए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मुझे मालूम है कि जिन लोगों को अभी तक ये नोटिस मिल चुका है उनके पास अभी तक कोई इसका सलूशन नहीं है। अगर आप में से किसी के पास सलूशन है और जिनको कार्ड रिलीज हो चुका है, जिनको भी सेम नोटिस मिला था, उन्होंने कौन से एक्शंस लिए हैं या उनके लॉयर ने किया क्या था, तो वो ज़रूर हमसे शेयर करें दोस्तों। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ज़रूर हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करिए ताकि हम भी हमारे उन भाइयों को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकें, उनको भी रेजिडेंसी मिले। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक और धन्यवाद।